एक जज कैसे बने थे मुख्यमंत्री, कौन थे पूर्व जज श्रीपति मिश्र जो बने थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। देश के दिलचस्प पॉलिटिकल किस्सों में से ये कहानी है श्रीपति मिश्र की। वो श्रीपति मिश्र जो थे तो एक जज, लेकिन बड़े ही रोचक अंदाज में उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया था। अब सवाल आपके जहन में भी कौंध रहा होगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, जुडिशियरी से जुड़ा कोई शख्स भला मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। लेकिन ऐसा हुआ था, हालांकि उनके सीएम पद तक का सफर जरा हटकर था। श्रीपति मिश्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के थे। वे साल 1982 से 1984 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस्तीफे के बाद 1982 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि वो बात अलग है कि इस दौरान राजीव गांधी और अरुण नेहरू के साथ उनके संबंध बिगड़ गए और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। इस तरह से मुख्यमंत्री पद पर वे सिर्फ 2 साल से कुछ ज्यादा समय ही रह पाए थे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले तक वे फर्रुखाबाद जिला कोर्ट में जूनियर जज हुआ करते थे, लेकिन उनका रुझान और झुकाव राजनीति की ओर ज्यादा था। वे अपने छात्र जीवन में भी छात्र संघ से जुड़े हुए थे, लिहाजा उन्होंने अपने मन की आवाज सुनी और 1958 में जज का पद त्याग दिया। नौकरी से सेवामुक्त होने के बाद उन्होंने राजनीति के सबसे निचले स्तर से शुरुआत की और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, जिसमें वे विजयी भी रहे। आगे चलकर उन्होंने साल 1962 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसमें भी विजयी रहे। लेकिन इनके करियर में असल उछाल तो आना अभी बाकी ही था। वे एक जनप्रिय नेता के तौर पर विख्यात हुए। ऐसे में कांग्रेस में उनका कद भी बढ़ता चला गया। उनकी लोकप्रियता ऐसी रही कि समर्थकों के बीच जज साहब के नाम से प्रसिद्ध रहे श्रीपति मिश्र का जनाधार बढ़ता चला गया। उनकी एक आवाज पर बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ता था। बेहद सिद्धांतवादी शख्सियत रहे श्रीपति मिश्र, पार्टी आलाकमान की नजरों में भी छाए रहे, लिहाजा उन पर आलाकमान का विश्वास भी बढ़ता चला गया। वे पार्टी की नीतियों को धरातल पर उतारने और पार्टी की मजबूती के लिए पूरी शिद्दत से काम करते रहे, जिसका आगे उन्हें फल भी मिला। साल 1982 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो इस पद के लिए आलाकमान की नजरों में सबसे उपयुक्त नाम श्रीपति मिश्र का ही था। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक सिंहासन पर उन्हें बैठाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका शासनकाल उनके बेहतरीन कामों के लिए जाना गया। कई वर्षों के बाद वे अचानक फिर से सुर्खियों में तबा गए थे, जब पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन में कांग्रेस की नीतियों और फैसलों की आलोचना करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र का जिक्र किया था। उन्होंने उनके सीएम पद से हटाए जाने का जिक्र कर सवाल उठाए थे, जिस पर उनके बेटे की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सुनने को मिली थी। श्रीपति मिश्र कांग्रेस का वो चेहरा थे जिन्होंने जज के पद को छोड़ राजनीति में सबसे निचले पायदान से राज्य के उच्चतम राजनीतिक शिखर तक का सफर तय किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।